हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जन्मदिन पर रतपुर कॉलोनी पिंजौर में रक्तदान शिविर 3 अप्रैल को लगाया जाएगा। जननायक जनता पार्टी शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विशंबर पाठक ने शुक्रवार को बताया कि आने वाली 3 अप्रैल के दिन रतपुर कॉलोनी पिंजौर के दुर्गा मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जजपा पार्टी के कार्यकर्तागण नवरात्रि पर माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करने के उपरांत हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की लंबी उम्र की कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, जिसके बाद रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। शिविर में जजपा प्रदेश कार्यालय सचिव चौधरी रणधीर सिंह एवं प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक सतविंदर राणा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, जबकि ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा और शहरी जिला प्रधान ओपी सिहाग यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। इस संबंध में रतपुर कॉलोनी पिंजौर में एक जजपा पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सुरेश पाठक, मिलन बावा, राहुल मल्होत्रा, निर्मल नानकपुर, हनी सिंह, सोनिया, ललित जैन, संदीप देशवाल, विनोद दुबे, केहर सिंह, अंजू रॉय, अमित सोनकर, रॉबिन वशिष्ठ, सतवीर मलिक, सुरेंद्र सिंह, राकेश शर्मा, अमिता गुप्ता, ज्योति सहित अन्य पार्टी के वर्कर मौजूद रहे। कि आने वाले 3 अप्रैल 2022 को दिन है रविवार, अपने प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी साथियों ने, परिषदवासियों ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। स्थान है श्री दुर्गा माता मंदिर, रतपुर कॉलोनी, पिंजौर। समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सेक्टर 16 जनरल हॉस्पिटल चंडीगढ़ की टीम ब्लड इकट्ठी करेगी और ले जाएगी। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि इस कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने दुष्यंत चौटाला जी के स्वस्थ जीवन, दीर्घायु व हरियाणा के विकास के लिए कामना करें, प्रार्थना करें।